हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों देखिए, कुछ विंटर के प्लांट लगे थे हैंगिंग बास्केट में और अब धीरे धीरे ये ख़राब हो गए हैं, तो मैं इन्हें खाली कर रही हूँ। और खाली करने के बाद इसमें मैं लगाऊंगी मॉस रोज और पर्सनेल। पर्सनेल मॉस रोज जो है समर का बहुत ही खूबसूरत फूल वाला प्लांट होता है दोस्तों। आप कटिंग के जरिए या फिर सीड के जरिए, या नहीं होता है तो नर्सरी से भी ला के जो है आप अपने हैंगिंग बास्केट या फिर बोतल या फिर गमले में लगा के जो है अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों पर्सनेल मॉस रोज जो होता है ना, जो देसी वेराइटी के होते हैं वो अपने गार्डन में परमानेंट पड़े रहते हैं, और जो हाइब्रिड होता है मॉस रोज, वो सीड से अगर हम उसकी सीड अगर हमने कलेक्ट कर लिया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, केवल समर तक फ्लावरिंग करते हैं, फिर जैसे ही विंटर आता है मर जाते हैं। देखिए इन सबको जो है हम निकाल कर हटाएंगे, तो मैं इन सबको इकट्ठा कर ली। और अब मिट्टी की बात अगर करें ना, तो मिट्टी मैं फोरस बनाऊंगी, सबको खाली करके फिर दोबारा नई मिट्टी मैं तैयार कर दूंगी। ये देखिए पिटूनिया के फूल अभी खिल रहे हैं, तो ये सब मर गए हैं दोस्तों। तो इन सबको मैं खाली करके मॉस रोज और पर्सनेल लगाऊंगी। ये देखिए हमने मिट्टी भी भर दी, और हैंगिंग बास्केट जो टांगने के लिए था ना गोल वाला, इसमें मैं कुछ मिट्टी नहीं भरी हूँ, पहले की मिट्टी है, केवल खाद मिलाई हूँ। एक हिस्सा गोबर की खाद है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेते, तीनों मिले हुए हैं इनमें, और बहुत ही हल्की मिट्टी मैंने बनाई। और अब मैं इनकी छोटी छोटी कटिंग करके लगा देती हूँ। इनकी दो चार पत्तियाँ नीचे से हटा लेंगे दोस्तों। ये पर्सनेल है तो दोनों को मिक्स करके हम लगा रहे हैं। मॉस रोज की बात करें तो ये कई कलर में है, और ये देसी, ये परमानेंट मेरे गार्डन में रहते हैं दोस्तों। सफ़ेद कलर, रानी कलर और एक पिंक कलर में है। तो ऐसे ही देखिए इस तरह से हम इनकी छोटी छोटी कटिंग बना के लगा लेते हैं। तो बहुत ही आसान है लगाना, मैंने सबको इकट्ठा किया। अभी दो चार हैंगिंग बास्केट बचे हैं तो सब में लगा दूंगी। इस तरह से ऊपर का हिस्सा तोड़कर ही लगाना है दोस्तों। और बहुत ही अच्छी तरह से देखिए फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है, लेकिन मैंने कुछ लेट ही लगाया, फिर भी कोई बात नहीं है, अब ये गर्मी भर खूब ढेर सारे फूल देते रहेंगे। तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि चलिए जो भी छोटे बड़े हैंगिंग बास्केट हैं सब में इन्हें लगा देते हैं। समर का बहुत ही अच्छा प्लांट होता है फूलों वाला, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप भी लगा सकते हैं। बोतल में, हैंगिंग बास्केट में, गमले में, किसी भी छोटे बड़े पॉट में लगाएंगे ना तो ये बड़े ही आराम से लग जाते हैं। तो दोस्तों मिट्टी को भरने के बाद मैं पानी इसमें डाल देती हूँ ताकि जो नमी बरकरार रहे, फिर उसके बाद कटिंग लगाने में कोई दिक्कत ना हो। कटिंग लगाने के बाद अगर पानी देते हैं ना तो कभी कभी दिक्कत होती है कि कटिंग जो अच्छी तरह से लग नहीं पाती, इसलिए मैंने पानी पहले ही भर दिया, फिर उसके बाद कटिंग देखी, बिल्कुल आराम से हम इनमें लगा रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें लगाना बहुत ही आसान है, अगर आप इस प्लांट को पसंद करते हैं तो ज़रूर लगाइए। और नर्सरी से लाना चाहते हैं ना, जो हाइब्रिड भी होता है, तो 5-5 रुपये गड्ढे मिल जाएंगे। ये देखिए हमने लगा दिया। इन्हें लगाने के बाद हम 10-15 दिन लगभग छांव में रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे धूप में इन्हें टांग देंगे। जितनी अच्छी इन्हें धूप मिलेगी ना उतनी बढ़िया से ग्रोथ होगी, और घने भी होंगे, ढेर सारे फूल भी आएंगे। मॉस रोज पर्सनेल को हमने हैंगिंग बास्केट में लगा दिया है, और जब इनमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी ना तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और देखिएगा इसमें कई कलर में हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन ये सब देसी है। पर्सनेल तो बराबर ही रहते हैं, इनकी सीड भी गिर जाती है तो बराबर किसी न किसी गमले में ये उगते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी लगाना चाहते हैं ना तो जल्द ही लगा लीजिए, क्योंकि समर का बहुत ही खूबसूरत फूल वाला प्लांट है, आसानी से लग जाते हैं, परमानेंट हैं। और ये देखिए मैं एक गुड़हल की बात करती हूँ, देखिए मेरे गार्डन में छोटा सा प्लांट है और बहुत ही बड़ा गुड़हल का फूल खिला हुआ है, पहली बार इनमें अच्छी खासी फ्लावरिंग हुई है, ये देखिए जो है। तो दोस्तों इसे मैं तोड़ लेती हूँ, शाम की टाइम है, और फिर उसके बाद जो मैं मंदिर में इन्हें चढ़ा दूँगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।